सुन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका। गया जिले के टावर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड जल प्रलय में मारे गए लोगों के प्रति कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि व्यक्त की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिला के जोशी मठ में ग्लेशियर टूटने के कारण 100 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं कांग्रेस द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज चमोली जिला के में ग्लेशियर फटने से बड़ी ही दर्दनाक और दुखद घटना हुई है, जिसमें नदियों में बाढ़ आ गई है, प्रलय की स्थिति हो गई है और हमारे सीमा सुरक्षा बल के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दर्जनों उसमें हताहत हुई। जहानाबाद में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं का मगध क्षेत्र में प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं हो पाया है, जिसके कारण पार्टी ने विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन किया है। वहीं इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल शर्मा ने पार्टी को मजबूत बनाने की बात भी कही। कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। आपके सामने सबसे जरूरी बात है, सरकार बहुत सारा काम किया है बिहार के विकास के लिए और इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उन सभी कार्यों की जानकारी गांव के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। उस बात को हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पहुंचाने का काम करेंगे और सबसे पहले। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नीसन न्यूज़। नमस्कार।